नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं शाजापुर की खबरों की ओर। शाजापुर से आज बड़ा ही रोचक मामला सामने आ रहा है, जहां एक सरकारी आवास में सरकारी कर्मचारी के क्वार्टर में गांजे के पौधे मिले, जिस पर प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस के द्वारा गुपचुप जब्ती हुई, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल मामला कुछ अलग था, लेकिन सामने कुछ और आ गया। पुलिस अधीक्षक और आजाद थाने पर प्रार्थी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट कराने आए थे, जिसमें बताया कि उसका पड़ोसी गोपाल कृष्ण पिता छोटेलाल शर्मा जल संसाधन विभाग मक्सी के क्वार्टर में रहता है और हमें अमानवीय और जातिवादी मानसिकता से परेशान करता है। वह गांजे का नशा करके चिलम का धुआं हमारे ओर निकालता है, घर के सामने गंदगी फेंकता है, जातिगत गाली गलौज करता है, जिससे वह आरोपी नशेड़ी पड़ोसी से परेशान है। उनके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जिसकी शिकायत मक्सी थाने में की गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब हम मुख्य अधिकारी के पास आए हैं और हमारी रिपोर्ट की जाए, यही आवेदन, यही निवेदन है। अब मामला गांजे का जिला प्रशासन पर संगीन आरोप लगाता है कि एक तरफ जिला प्रशासन अवैध नशे को बरामद करने के लिए क्या कुछ कर रहा है, वहीं एक सरकारी कर्मचारी अपने घर के अंदर ही नशे का पौधा उगाता है। अब मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक, एडिशनल पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर साहब सबको है, लेकिन कोई जुबान नहीं खोल रहा है। कहाँ से आए आप? मक्सी से। क्या कुछ हुआ आपके साथ? सर, मेरे पास में गोपाल शर्मा रहता है, वो भेदभाव करते, जाति का गाली गलौज करते, घर के पीछे गांजा चौपा सर पी के और हमारे ऊपर धुआं फेंकता है, थाली बजाता है, सीटी बजाता है, हमको परेशान करता है सर। अच्छा। और हमारे सर पुलिस में कंप्लेन करी सर, हमारी कोई ये नहीं करी पुलिस वाले ने, मदद सुनवाई नहीं करी, सुनवाई नहीं करी सर हमारी। फिर क्या हुआ? हमने सर उसको बोला पुलिस वाला, तो पुलिस वाला ने भगा दिया उसको घर, सर वहीं खड़े थे हम। हाँ, अब यहाँ पर आप क्या कहा सर ने? बोले हम करेंगे कार्रवाई। आश्वासन दिया? हाँ। आज एसपी कार्यालय में मक्सी जो मामला कल उठा था, उसी के प्रार्थी आज पहुँचे थे। एसपी साहब नहीं थे, एडिशनल एसपी को आप ज्ञापन दिया है कार्यवाही के लिए। कहीं ना कहीं गांजे के आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं रही है और शहर में वो घूम रहा है, ये कहीं ना कहीं एक हास्यप्रद पुलिस प्रशासन का रवैया है। इस पर समाज के लोग और प्रशासन के, मीडिया के सब लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि एक आरोपी जो खुद के सरकारी क्वार्टर में गांजे के पौधे लगा सकता है, पुलिस से साठगांठ कर सकता है, वो कितना शातिर होगा। पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए।